पंचायत निर्माण कार्य में हरिजन शब्द लिखे जाने के विरोध में सतनामी समाज के सदस्यों ने जनपद पंचायत मेन गेट पर कार्रवाई को लेकर किया धरना प्रदर्शन। लोरमी ब्लॉक में इन दिन हरिजन शब्द का उपयोग लगातार किया जा रहा है, जिसके चलते सतनामी समाज के लोगों में खासी नाराजगी देखने को मिल रही है। हफ्ते भर में यह दूसरा मामला है जो सतनामी को अपमानित करने के उद्देश्य से शब्द का प्रयोग किया जा रहा है, जिसके चलते आज लोरमी क्षेत्र के सतनामी समाज के लोगों ने इस तरह की दोबारा गलती नहीं करने एवं क्षेत्र में हरिजन शब्द विलोपित करने के लिए जनपद पंचायत लोरमी के मेन गेट पर धरना प्रदर्शन करते हुए जमकर नारेबाजी की। वहीं इस संबंध में पिंटू खांडे ने बताया कि लगातार सतनामी समाज के मान के सम्मान के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। अभी फिलहाल डिलवापारा उरई कछार के शासकीय प्राथमिक पाठशाला के प्रधान पाठक के द्वारा तालिका सूची में हरिजन शब्द का उपयोग किया गया था। वह मामला अभी शांत नहीं हुए है और आज फिर जनपद पंचायत लोरमी के द्वारा आंगनबाड़ी भवन निर्माण कार्य सावंतपुर राजपुर में हरिजन मोहल्ला का उल्लेख करने से आक्रोशित सतनामी समाज के लोगों ने यहां धरना प्रदर्शन करने के लिए बाध्य हुए हैं। यदि कार्रवाई नहीं की जाती है तो उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। हमारे ग्राम पंचायत सावतपुर और क्या कहते हैं राजपुर, दोनों ग्राम पंचायतों में आश्रित ग्राम है, पिथमपुरा और राजपुर, दोनों में जो सतनामी पारा है उसको हरिजन पारा लिखा गया। तो ये बार बार किसके कहने पे हरिजन पारा लिखा जाता है, उसमें बाकायदा अधिकारी कर्मचारी जांच होता है, उसमें सीओ का साइन है, सील है, आखिर किसके कहने से सीओ लिखा जाता है? बार बार ये असंवैधानिक वर्ड का प्रयोग क्यों किया जाता है? ठीक है भाई, आप अगर हम हरिजन है तो साबित करो कि सतनामी हरिजन है करके। अगर वो हरिजन है हम साबित करते हैं कि वो हरिजन है करके। क्या कैसे हैं हमसे बार 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 ये सतनामी के ऊपर अत्याचार हो रहा है बार बार। इन मांगों को लेकर आप धरना प्रदर्शन, चारी अधिकारी के ऊपर जांच नहीं होगा या फिर उनको दंडित नहीं किया जाएगा, सजा नहीं दिया जाएगा, तब तक हम यहाँ से नहीं हटने वाले। क्या है मुख्य मांग आप लोगों? मुख्य मांग ये है कि सबसे पहले तो ये गलती आखिरी बार हुआ है, इसके बाद दोबारा ना होना चाहिए। दूसरी मांग ये है उस कर्मचारी या उस अधिकारी को जो उस दायरे पे आता है, भाई आखिर वो भी चेक करके दिया होगा ना आखिर ऊपर कैसे गया, उसको उसके ऊपर जांच बिठाया जाए। हमारा ये मांग। क्या नाम है आपको? मेरा नाम पिंटू खांडे, बीमार जिला अध्यक्ष बिलासपुर। वहीं इस मामले को गंभीरता से लेते हुए लोरमी अनुभागीय अधिकारी मेनका प्रधान मौके पर पहुंची और तत्काल कार्रवाई करते हुए संबंधित ग्राम पंचायत के सरपंच सचिव को प्रस्ताव में गलत नाम देने के लिए नोटिस जारी कर प्रदर्शन कर रहे समाज के लोगों को समझाइश देते हुए जो उचित है वह जांच उपरांत उचित कार्रवाई करने की बात कही, जिससे समाज के लोग शांत होकर प्रदर्शन खत्म किए। वहीं सभी संबंधित अधिकारियों को नेक्स्ट टाइम के लिए इस टाइप शब्द का प्रयोग नहीं करने के निर्देश दिए गए। अपने जो कार्य सेंक्शन हुआ उसमें एक शब्द विशेष को लेकर कुछ वर्ग को आपत्ति थी, तो उनके द्वारा यहाँ पे धरना प्रदर्शन किया जाता है। उनके द्वारा कह रहा था कि वह शब्द विशेष जो है उस ऑर्डर में क्यों मेंशन किया गया, तो उसके लिए जो भी दोषी हो उनके विरुद्ध कार्रवाई करें। तो उसी के संबंध में जो संबंधित सरपंच है उनको नोटिस जारी किया जा रहा है, फिर आगे कार्रवाई। क्या समझाया गया कि इस प्रकार किसी भी शासकीय कार्यालय में मतलब इस प्रकार बैठकर कार्य को बाधित करना अच्छी बात नहीं है और नियम विरुद्ध है, तो वो लोग एग्री थे और उन्होंने बताया कि नोटिस जारी किया जा रहा है, तो वो लोग फिर समाप्त कर रहे हैं। बहरहाल अब देखने वाली बात होगी कि सतनामी समाज के ऊपर अब शब्द लिखने का सिलसिला कब खत्म होता है। मुंगेली से प्रीतम दिवाकर, छत्तीसगढ़ विजन टीवी।